इसका हम लोग थर्ड नंबर देते हैं। थर्ड नंबर में दिया है 9y² - 4x² = 36। इसको लाते हैं डिवाइड में, 9xy² - 36 - 4x² - 36 = 1। यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, यहाँ से कट जाएगा 9 बार में। तो हम इसे लिख सकते हैं y² / 2² - x² / 3² = 1। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे देखिए क्या करते हैं। हम लोग देख रहे हैं y² / a² - x² / b² = 1 के फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं कि अति परवलय y अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। अति परवलय का समीकरण y² / a² - x² / b² = 1 के रूप में है, इस रूप में है। अच्छा, अब आगे देखिए इसके बाद। तो यहाँ से a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, तो c क्या हो जाएगा, √a² + b², यानी c = में आ जाएगा √2² + 3² यानी c = 4 + 9, √13 आ जाएगा। चलिए, तो पहले हम लोग बात करते हैं इसके शीर्षों के निर्देशांक की। तो शीर्षों के निर्देशांक की बात करेंगे तो y अक्ष के अनुदिश है, तो आपको पता है 0 + - a, यानी कि हो जाएगा 0 + - 2, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नाभियों के निर्देशांक की बात करेंगे तो 0 + - c, यानी आ जाएगा 0 + - c का वैल्यू क्या है यहाँ पर, √13। चलिए, फिर उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी c/a, तो c का वैल्यू यहाँ पे √13 और a का वैल्यू है 2, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होता है, 2b² / a, तो 2, b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो b का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, और y में a का वैल्यू क्या है 2, 2 से 2 यहाँ काट देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते